जन सरोकार मंच का आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले तो इस ये जो नाम है इस प्रश्न का, इस समूह का, जन सरोकार मंच, मैं इसके लिए उनको बधाई देती हूँ कि ये नाम जिस उद्देश्य से रखा गया है कि हम जन सरोकार की बात करें, तो इस उद्देश्य के लिए ये समूह, मैं कोशिश करती हूँ कि बड़े जो भी विवादित मुद्दे हैं समाज के, उनको मैं सामने रखूँ, ये ज़रूर मेरी कोशिश रहती है। और मुझे लग रहा है एक साहित्यकार जब साहित्य की दुनिया में आता है तो उसके निजी इच्छाएं या निजी उद्देश्य गौण हो जाते हैं और एक जिम्मेदारी उसके कंधों पर आती है, जिससे जिसमें कि वो समाज की समस्याओं को और समाज की बुराइयां, समाज के दोष सामने रखे, ताकि फिर वो एक उसके समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें। तो ये काम जन सरोकार मंच बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा है, मैं उसके लिए पुनः बधाई देते हुए अपने काव्य पाठ की तरफ आती हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ऐसे तो समाज में बहुत सारे मुद्दे हैं जो शायद हम समेट भी नहीं पाएंगे इतने कम समय में, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम भरसक कोशिश करेंगे कि कुछ अलग अलग चीज़ें आपके सामने रखें। चूंकि मैं स्त्री हूँ तो सबसे पहले स्वाभाविक रूप से मैं स्त्री की बात करूँगी। एक स्त्री की समाज में जो स्थिति है, दो दोहे आपके सामने रखूंगी मैं, और उन दोहों से अलग अलग स्त्री की स्थिति आपके सामने होगी। चूंकि स्त्री एक चारदीवारी उसके ऊपर थोप दी गई है और वो बंद रहती है अपने बंदिशों में और अपनी घर की जिम्मेदारियों में, तो एक विडंबना दोहे में, तो स्त्री जिन बंदिशों में अपना वक्त गुजारती है, एक दोहा आपके सामने सिर्फ उसकी विडंबना सामने रखते हुए, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर विधा में थोड़ा थोड़ा समस्याओं पर बात करूं। बिना पंख के मिल गई आखिरकार उड़ान, बिना पंख के मिल गई आखिरकार उड़ान, पिंजरे में ही उड़ गए जब मैना के प्राण। मुझे लग रहा है स्त्री की पीड़ा इस पिंजरे के माध्यम से पहुंची होगी कि बिना पंख के मिल गई आखिरकार उड़ान, पिंजरे में ही उड़ गए जब मैना के प्राण। अब दूसरे दोहे में स्त्री अपनी बात कह रही है पिंजरे के ही माध्यम से आपके सामने। पिंजरे में सांसें घुटें चिड़िया करे गुहार, पिंजरे में सांसें घुटें चिड़िया करे गुहार, मुझे गगन की शर्त पर हर जोखिम स्वीकार। ये एक आह्वान है स्त्री का कि पिंजरे में सांसें घुटें चिड़िया करे गुहार, मुझे गगन की शर्त पर हर जोखिम स्वीकार। तो इन दो दोहों से मैंने स्त्री की बात आपके सामने रखी, और अब इसी क्रम में मैं एक घरेलू स्त्री का गीत आपके सामने रखूंगी,
फिर हम अपनी और विसंगतियों पर बात करेंगे। इस घरेलू स्त्री की तरफ से लिखा हुआ गीत है आपके सामने। उबे दिन बासी रातों से कैसे नई कहानी लिख दें, उबे दिन बासी रातों से कैसे नई कहानी लिख दें, पांव तले पिघला लावा है तुम कहते हो पानी लिख दें। उबे दिन बासी रातों से कैसे नई कहानी लिख दें, पांव तले पिघला लावा है तुम कहते हो पानी लिख दें। एक झरोखे दिन उगता है के उबे दिन बासी रातों से कैसे नई कहानी लिख दें, पांव तले पिघला लावा है तुम कहते हो पानी लिख दें। एक झरोखे दिन उगता है दूजे में फिर ढल जाता है, वही धूप का टुकड़ा दिन भर रेंग रेंग कर बहलाता है। एक झरोखे दिन उगता है दूजे एक झरोखे दिन उगता है एक झरोखे ढल जाता है, वही धूप का टुकड़ा दिन भर रेंग रेंग कर बहलाता है। गड़े हुए खूंटे से बंद कर कैसे भला रवानी लिख दें, गड़े हुए खूंटे से बंद कर कैसे भला रवानी लिख दें, पांव तले पिघला लावा है तुम कहते हो पानी लिख दें। इधर रेंगना बिल के भीतर उधर परिंदों के जलसे हैं, यहां सभी उपदेश नसीहत सपने सब उस पार बसे हैं। इधर रेंगना बिल के भीतर उधर परिंदों के जलसे हैं, यहां सभी उपदेश नसीहत सपने सब उस पार बसे हैं। नहीं सफर में पेड़ परिंदे कैसे राह सुहानी लिख दें, पांव तले पिघला लावा है तुम कहते हो पानी लिख दें। अंतिम अंतरा कि कहीं बांध ने नदियां रोकी, कहीं पंख पिंजरे में घायल, कहीं हवा झिर्री में अटकी, कहीं हिरन पहरे में पागल। कहीं बांध ने नदियां रोकी, कहीं पंख पिंजरे में घायल, कहीं हवा झिर्री में अटकी, कहीं हिरन पहरे में पागल। शब्द शब्द पर पहरेदारी कैसे साफ बयानी लिख दें, शब्द शब्द पर पहरेदारी कैसे साफ बयानी लिख दें, पांव तले पिघला लावा है तुम कहते हो पानी लिख दें। उबे दिन बासी रातों से कैसे नई कहानी लिख दें, पांव तले पिघला लावा है तुम कहते हो पानी लिख दें, तुम कहते हो पानी लिख दें। ये आपके सामने एक गीत था जिसमें मैंने एक स्त्री की बात आपके सामने रखी। और अब हम बात करें एक समकालीन कविता के जरिए, हम बात करेंगे असमानता की, जो शायद मुझे लग रहा है हमारे समाज की शायद जड़ यही है असमानता, इसी से सारी विसंगतियां निकली हैं, चाहे स्त्री पुरुष की असमानता हो, चाहे निर्धन और धनवान की असमानता हो, चाहे जो और क्षेत्र हैं उनमें असमानता हो। तो आपके सामने एक कविता असमानता पर, अनुपात असमानता पर एक कविता आपके सामने। थाली में बहुत कम थी रोटियां
और पेट में चूहे बहुत सारे। थाली में बहुत कम थी रोटियां और पेट में चूहे बहुत सारे। आंखों के काउंटर पर बहुत थोड़े थे आंसू और दर्द की कतार बहुत लंबी। आंखों के काउंटर पर बहुत थोड़े थे आंसू और दर्द की कतार बहुत लंबी। सैकड़ों मीटर लंबा था स्त्री के सपनों का थान और हकीकत बालिश्त भर रुमाल के बराबर। सैकड़ों मीटर लंबा था स्त्री के सपनों का थान और हकीकत बालिश्त भर रुमाल के बराबर। बहुत जरा सा था नन्ही हथेली के चुल्लू का पानी और बड़े लोगों के गुनाह विशाल काय। बहुत जरा सा था नन्ही हथेली के चुल्लू का पानी और बड़े लोगों के गुनाह विशाल काय। हजार कोस दूर थे मजदूरों के गांव और पांव केवल दो। हजार कोस दूर थे मजदूरों के गांव और पांव केवल दो। बहुत गलत अनुपात में हुआ था राज्य में वितरण। बहुत कमजोर था राजा का गणित। बहुत गलत अनुपात में हुआ था राज्य में वितरण। बहुत कमजोर था राजा का गणित। बहुत कमजोर था राजा का गणित। तो ये एक अनुपात पर बात हुई। और एक और कविता मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, समकालीन कविता। मुझे लग रहा है इस कविता की शायद बहुत ज़रूरत है। इस कविता का शीर्षक है नो वायलेंस। तो हम नो वायलेंस पर अपनी कविता के ज़रिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। तो कविता का शीर्षक है नो वायलेंस। जिस समय तनी हो धनुष की प्रत्यंचा, तीर को अटक जाना चाहिए तरकश में ही। जिस समय तनी हो धनुष की प्रत्यंचा, तीर को अटक जाना चाहिए तरकश में ही। तलवार को होना चाहिए जंग लगा हुआ, जिसकी मूठ जाम हो चुकी हो म्यान में रखे रखे। तलवार को होना चाहिए जंग लगा हुआ, जिसकी मूठ जाम हो चुकी हो म्यान में रखे रखे। धरती की सभी बंदों के बम और बारूद बंद होने चाहिए एक ऐसे शस्त्रागार में, जिसके ताले की चाबी एक खिलखिलाते हुए शिशु की कसी हुई मुट्ठी में हो। ध्यान दीजिएगा कि धरती की सभी बंदूकें बम और बारूद बंद होने चाहिए एक ऐसे शस्त्रागार में, जिसके ताले की चाबी एक खिलखिलाते शिशु की कसी हुई मुट्ठी में हो। दुनिया की तमाम लाठियां होनी चाहिए कांपते हुए जर्जर हाथों में। दुनिया की तमाम लाठियां होनी चाहिए कांपते हुए जर्जर हाथों में, झुकी हुई कमर को सहारा देने के लिए। विश्व के सारे जिंदा कारतूस जोड़कर बना देनी चाहिए
गांधी की एक भव्य प्रतिमा, विश्व के सारे जिंदा कारतूस जोड़कर बना देनी चाहिए गांधी की एक भव्य प्रतिमा, रक्त को बहना चाहिए सिर्फ त्वचा के नीचे, रक्त को बहना चाहिए सिर्फ त्वचा के नीचे केवल धमनियों में ही, जिसकी गवाही देता रहे गर्दन और कलाई की शिराओं का स्पंदन। रक्त को बहना चाहिए सिर्फ त्वचा के नीचे केवल धमनियों में ही, जिसकी गवाही देता रहे गर्दन और कलाई की शिराओं का स्पंदन। नन्हे बच्चों की किताब में अ से अनार नहीं अपितु होना चाहिए अ से अहिंसा। नन्हे बच्चों की किताब में अ से अनार नहीं अपितु होना चाहिए अ से अहिंसा। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने इस कविता के ज़रिए अहिंसा का आह्वान किया, अहिंसा पर बात की। मुझे लग रहा है वो भी हमारे सरोकार का पहला मुद्दा है, जन सरोकार का। अब आप कहें तो मैं गज़ल पर आऊं, फिर एक कविता पर आऊंगी। एक गज़ल आपके सामने। खिलती है धूप अब यहाँ तारों से पूछकर, खिलती है धूप अब यहाँ तारों से पूछकर, होने लगी है भोर अब रातों से पूछकर, होने लगी है भोर अब रातों से पूछकर। और शेर देखें, बेशर्म थे ये जख्म भी जिद्दी था दर्द भी, बेशर्म थे ये जख्म भी जिद्दी था दर्द भी, चलते ही रहे पांव ये छालों से पूछकर, बेशर्म थे ये जख्म भी जिद्दी था दर्द भी, चलते ही रहे पांव ये छालों से पूछकर। और अगला शेर देखें कि कैसा ये प्यार है भला जो शक्ल से हुआ, कैसा ये प्यार है भला जो शक्ल से हुआ, उतरा है कोई रूह में आंखों से पूछकर, कैसा ये प्यार है भला जो शक्ल से हुआ, उतरा है कोई रूह में आंखों से पूछकर। और अगला शेर देखें कि मारा था जान से हमें यारों, मारा था जान से हमें दुश्मन ने इस तरह, मारा था जान से हमें दुश्मन ने इस तरह, घेरा था एक दिन कहीं यारों से पूछकर, मारा था जान से हमें दुश्मन ने इस तरह, घेरा था एक दिन कहीं यारों से पूछकर। और आखिरी शेर देखें इसका, कि कड़वी हकीकतें यहां बैठी हैं राह में, कड़वी हकीकतें यहां बैठी हैं राह में, चलती नहीं है जिंदगी ख्वाबों से पूछकर, कड़वी हकीकतें यहां बैठी हैं राह में, चलती नहीं है जिंदगी ख्वाबों से पूछकर, चलती नहीं है जिंदगी ख्वाबों से पूछकर। और इसके बाद मैं फिर एक सरोकार की ही कविता, मैं फिर स्त्री के विषय पर आती हूँ। एक कविता है
शॉर्टकट, इसका नाम है शॉर्टकट। जी आपके सामने एक एक स्त्री की गहन संवेदना या उसका मनोविज्ञान सामने रखते हुए एक कविता, शॉर्टकट। बड़ा लंबा और दुर्गम है स्त्री के मुस्कुराते होठ और पनीली आंखों के बीच का रास्ता। बड़ा लंबा और दुर्गम है स्त्री के मुस्कुराते होठ और पनीली आंखों के बीच का रास्ता। यही एक अंधे मोड़ पर तुम्हारे प्यार के पत्थर के नीचे उसने दबा कर रखे हैं अपनी विद्वत्ता के सारे प्रमाण पत्र। यही एक अंधे मोड़ पर तुम्हारे प्यार के पत्थर के नीचे उसने दबा कर रखे हैं अपनी विद्वत्ता के सारे प्रमाण पत्र। यहीं पर कुछ शिलालेख भी हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये स्त्री के मुस्कुराते होठ और पनीली आंखों के बीच का रास्ता है। यहीं पर कुछ शिलालेख भी हैं जिन पर गुदी हुई है उसके आंसुओं की वजह, उसकी अनिद्रा के कारण और उसके अवसाद के रहस्य। यहीं पर कुछ शिलालेख भी हैं जिन पर गुदी हुई है उसके आंसुओं की वजह, उसकी अनिद्रा के कारण और उसके अवसाद के रहस्य। मगर तुमने तो वो लिपि ही नहीं सीखी, जाने दो। ध्यान से थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो देखना वो यही कहीं टंगी है आसमान में, अपनी ही हां और ना के बीच। ध्यान से थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो देखना वो यही कहीं टंगी होगी आसमान में, अपनी ही हां और ना के बीच, त्रिशंकु की तरह। मगर तुम छोड़ो ये पैदल का रास्ता, तुम टेक ऑफ करना उसकी भीगी पलकों के हवाई अड्डे से और दूरबीन से निहारना उसकी देह का मानचित्र और सीधे उतर जाना उसके मुस्कुराते हुए होठों के रनवे पर। मगर तुम छोड़ो ये पैदल का रास्ता, तुम टेक ऑफ करना उसकी भीगी पलकों के हवाई अड्डे से और दूरबीन से निहारना उसकी देह का मानचित्र और सीधे उतर जाना उसके मुस्कुराते हुए होठों के रनवे पर। क्योंकि बड़ा दुर्गम और लंबा है स्त्री की पनीली आंखों और मुस्कुराते होठों के बीच का रास्ता, तुम्हारे वश की बात नहीं। क्योंकि बड़ा दुर्गम और लंबा है स्त्री की पनीली आंखों और मुस्कुराते होठों के बीच का रास्ता, तुम्हारे बस की बात नहीं। जी अभी अभी राजेंद्र कासवा जी ने कहा कि मैं किसान के ऊपर भी बात करूं। सच रचना में मैंने नहीं भी लिखा, लेकिन किसान हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। मैं इस वक्त ये देख रही हूँ कि कृषि शायद सबसे ज़्यादा उपेक्षित एक क्षेत्र हो गया है और सबसे ज़्यादा उपेक्षित किसान आज की स्थिति में है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं मोटी मोटे तौर पर, क्योंकि मैं
हम किसान हैं और हम गांव में खेती से जुड़े हुए लोग हैं। जो इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP, मैं उस पर ज़रूर मैं थोड़ा सा मतलब ये बात कहूँगी कि अगर हम अब से 25 साल पहले का MSP देखें और आज का देखें तो वो तुलनात्मक रूप से बेहतर है, बढ़ा हुआ है। लेकिन हमें ये बात सरकार की बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि अगर वो इसका जियो बना सकते हैं, एक किसान को पूरी तरह से एक सपोर्ट देने के लिए, उनको बल देने के लिए, उनको आर्थिक रूप से एक सिक्योरिटी देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, अगर वो इसका जियो बना सकते हैं तो वो विधेयक में इसको क्यों नहीं डाल रहे? ये ज़रूर चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन में जो जिस तरह का व्यवहार है वो मैं ज़रूर अमानवीय कहूँगी कि इतनी सर्दी में आप उनके ऊपर पानी की बौछार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अन्नदाता, जिसकी वजह से मैं ये कहूँगी कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पूंजीपति हो लेकिन वो किसान के बिना जिंदा नहीं है। सरकार आनाकानी क्यों कर रही है ये ज़रूर मैं कहूँगी कि यहाँ पर सरकार की मंशा पर थोड़ा संदेह होता है। बाकी मैं अपनी एक रचना है, मैं उसके ज़रिए ज़रूर अपनी बात आपके सामने रखूंगी। ठीक है, चलिए गजल आपके सामने। जुल्म जुल्म के पर्वतों से बचानी तो है, जुल्म के पर्वतों से बचानी तो है, ये नदी तिश्नगी तक बहानी तो है। जुल्म के पर्वतों से बचानी तो है, ये नदी तिश्नगी तक बहानी तो है। एक टुकड़ा जमी का मयस्सर नहीं, ध्यान दीजिएगा कि एक टुकड़ा जमी का मयस्सर नहीं, हाथ पर ही ये सरसों उगानी तो है। एक टुकड़ा जमी का मयस्सर नहीं, हाथ पर ही ये सरसों उगानी तो है। लाख उजड़े शहर खाक हों बस्तियां, लाख उजड़े शहर खाक हों बस्तियां, एक दुनिया वहीं फिर बसानी तो है। लाख उजड़े शहर खाक हों बस्तियां, एक दुनिया वहीं फिर बसानी तो है। और मंजिलें ना मिली तो शिकायत नहीं, मंजिलें ना मिली तो शिकायत नहीं, मंजिलें ना मिली तो शिकायत नहीं, जिंदगी हौसलों की कहानी तो है। मंजिलें ना मिली तो शिकायत नहीं, जिंदगी हौसलों की कहानी तो है। और आखिरी शेर है इसका, एक सैलाब ने बांध तोड़ा तो क्या, एक सैलाब ने बांध तोड़ा तो क्या, एक सैलाब ने बांध तोड़ा तो क्या, आज दरिया में फिर से रवानी तो है। एक सैलाब ने बांध तोड़ा तो क्या, आज दरिया में फिर से रवानी तो है। जुल्म के पर्वतों से बचानी तो है, ये नदी तिश्नगी तक बहानी तो है, ये नदी तिश्नगी तक बहानी तो है। तो ये एक एक जो मिशन लेकर हम चलते हैं वो आगे तक जाना चाहिए हर हाल में। और मुझे ये अभी किसान आंदोलन से ही ये गजल लगा के मैं आपके सामने रखूं। तो
मुझे लग रहा है कि ये हौसला पहुंचा होगा आप लोगों तक। के बाद मैं कैसे कहूं कि एक विसंगति और है हमारे देश की, वो है बाल श्रम। छोटे छोटे बच्चों को जब हम देखते हैं कि वो शायद पता नहीं, अभी हम आपके सामने गजल आपके सामने कुछ शेर आपके सामने रखती हूँ कि कत्ल के अधिकार लेकर चल पड़े, कत्ल के अधिकार लेकर चल पड़े वे सभी हथियार लेकर चल पड़े, कत्ल के अधिकार लेकर चल पड़े वे सभी हथियार लेकर चल पड़े, और इन गुनाहों की रईसी देखिए, इन गुनाहों की रईसी देखिए जेब में सरकार लेकर चल पड़े, इन गुनाहों की रईसी देखिए जेब में सरकार लेकर चल पड़े, और पांव में आवारगी का ऐब था, पांव में आवारगी का ऐब था, आंख में नहीं पांव में आवारगी का ऐब था, बाह में संसार लेकर चल पड़े, पांव में आवारगी का ऐब था, बाह में संसार लेकर चल पड़े, और रूह का संगीत सुनना था हमें, रूह का संगीत सुनना था हमें मौन की झनकार लेकर चल पड़े, रूह का संगीत सुनना था हमें मौन की झनकार लेकर चल पड़े, और जब चले लिखने बगावत की कथा, जब चले लिखने बगावत की कथा खुद हमें किरदार लेकर चल पड़े, जब चले लिखने बगावत की कथा खुद हमें किरदार लेकर चल पड़े, और एक व्यंग देखिए इसी शेर में कि नफरतों का बीज बोना था हमें, नफरतों का बीज बोना था हमें मजहबी ललकार लेकर चल पड़े, नफरतों का बीज बोना था हमें मजहबी ललकार लेकर चल पड़े। और आखिरी शेर है इसका, जीतने हम नफरतों की पोथियां, जीतने हम नफरतों की पोथियां ढाई आखर प्यार लेकर चल पड़े, जीतने हम नफरतों की पोथियां ढाई आखर प्यार लेकर चल पड़े, और कत्ल के अधिकार लेकर चल पड़े वे सभी हथियार लेकर चल पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया कि ये गजल आप तक पहुंची, आपके सामने रखती हूँ बाल श्रम पर। और मैं ये कहूँ कि ये जो ढाबे का छोटू है, जो जिसे हर ढाबे पर आप कोई ना कोई छोटू जरूर देखते हैं, तो ये वही ढाबे का छोटू है जो जो आप सब ने कहीं ना कहीं उससे आप ज़रूर मिले होंगे। और ये हमारे देश की विडंबना है कि इतने छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर किस तरह काम करते हैं। तो बाल श्रम पर ये गीत, ढाबे का छोटू। इस टेबल से उस टेबल तक पकवानों के बीच दौड़ती,
दो रोटी की आस। इस टेबल से उस टेबल तक पकवानों के बीच दौड़ती दो रोटी की आस। मालिक की अंगारा आंखें सिहरन भरे बदन में ज्यों चाबुक से अश्व दौड़ता सरपट भरी थकन में। मालिक की अंगारा आंखें सिहरन भरे बदन में ज्यों चाबुक से अश्व दौड़ता सरपट भरी थकन में। भट्टी पर पकते व्यंजन की गर्मी से सीने में उठती ठंडी सी उच्छ्वास। भट्टी पर पकते व्यंजन की गर्मी से सीने में उठती ठंडी सी उच्छ्वास। इस टेबल से उस टेबल तक पकवानों के बीच दौड़ती दो रोटी की आस। ये वही छोटू है, उसी का एक शब्द चित्रण, आप शब्द चित्र समझ लीजिए ढाबे का दूसरे अंतरे में, कि आओ भगत में तन्मय रहता झाड़न पटक पटक कर, दिन भर अपनी नींद भगाता पलकें झपक झपक कर। आओ भगत में तन्मय रहता झाड़न पटक पटक कर, दिन भर अपनी नींद भगाता पलकें झपक झपक कर। उत्सव जैसी चहल पहल में हंसी ठहा को बीच लिया है बचपन ने संन्यास। उत्सव जैसी चहल पहल में हंसी ठहा को बीच लिया है बचपन ने संन्यास। हंसी ठहा को बीच लिया है बचपन ने संन्यास। जूठी थाली मांझ मांझ कर अपना बिंब निहारे, दर्द देह का भूल अभागा तोड़े रोज सितारे। जूठी थाली मांझ मांझ कर अपना बिंब निहारे, दर्द देह का भूल अभागा तोड़े रोज सितारे। खुलते ढक्कन की खुशबू में आंतों की ऐठन करती है संयम का अभ्यास। खुलते ढक्कन की खुशबू से आंतों की ऐठन करती है संयम का अभ्यास। इस टेबल से उस टेबल तक पकवानों के बीच दौड़ती दो रोटी की आस। आखिरी अंतरास का, कि तीन फुटे छोटू के भीतर छह फुट जिम्मेदारी, माँ बाबू जी और बहन है खटने की लाचारी। तीन फुटे छोटू के भीतर छह फुट जिम्मेदारी, माँ बाबू जी और बहन है खटने की लाचारी। सूखे होठ पनीली आंखें चेहरे का भूगोल बताता कर्जे का इतिहास। सूखे होठ पनीली आंखें चेहरे का भूगोल बताता कर्जे का इतिहास। इस टेबल से उस टेबल तक पकवानों के बीच दौड़ती दो रोटी की आस। ये एक गीत था जो एक बाल श्रम पर लिखा था। मैं एक मुक्तक के साथ, चार पंक्तियों के साथ मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करती हूँ, क्योंकि हमारे समाज की जो जिंदगी की जो सबसे बड़ा संघर्ष है हमारा, कि हम ज़्यादातर अपने को प्रतिकूल परिस्थितियों में पाते हैं और खुद को संघर्ष में रत ही देखते हैं, चाहे हम जहाँ भी हों। कि मरुस्थल में आकर फूलदान बांटे, मरुस्थल में आकर फूलदान बांटे, रेंगने वालों को आसमान बांटे। मरुस्थल में आकर फूलदान बांटे, रेंगने वालों को आसमान बांटे। और बुलंदी पर बांटी
हर तरफ ढलाने, बुलंदी पर बांटी हर तरफ ढलाने, जिंदगी ने केवल इम्तहान बांटे, जिंदगी ने केवल इम्तहान बांटे। तो ये हमारी ज़िंदगी है जो इम्तहान बांटती है। शुक्रिया जन सरोकार मंच का, और आप लोग सभी जो उपस्थित रहे।